हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आइए, आज हम आपके सामने एक अनबॉक्सिंग फिर से लेके आ रहे हैं, तो शुरू करते हैं। ये मैं नाइफ लेके आया हूँ और ये हमारा एक आइटम है। मैंने एक लेनोवो टैबलेट का अनबॉक्सिंग किया था अभी कुछ दिन पहले, उसी का एक कवर मंगवाया है। तो आइए देखते हैं इसमें अनबॉक्सिंग करके कि आइटम कैसा है। पैकिंग तो इन्होंने काफ़ी अच्छा करके दिया है, बट अभी देखते हैं कैसे इसमें क्या आइटम निकलता है। ये देखिए, तो ये देखिए दोस्तों, अभी इसको अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ मैं। कवरिंग तो ऐसा काफी हैवी लग रहा है। अभी देखते हैं, वैसे तो ये मैग्नेटिक कवर है, थोड़ा सा क्वालिटी भी अच्छा लग रहा है और मैग्नेटिक है, तो ये आई थिंक ये आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे आपको कुछ मेटल नजर आ रहा है वाइट कलर में, आई थिंक ये मैग्नेट होंगे। जब हम इसको कवर अप कर रहे हैं तो ये इस पे स्टिक हो जा रहे हैं। ये थोड़ा सा लग रहा है मुझे कि यहाँ पे ये स्टिक हो रहा है मैग्नेटिक। तो अभी देखते हैं इसका ये कवर, हम इसको इसमें सेट करके देखते हैं कि ये किस तरीके से अच्छा होगा भी या नहीं होगा, और कवर अप करने के बाद कैसा लगेगा। तो हम टैबलेट लेके आते हैं और इसमें फिट करके देखते हैं कि ये फिट हो रहा है प्रॉपर, और इसके बटन्स वगैरह प्रॉपरली वर्क करेंगे या नहीं, तो देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा टैबलेट है जो हमने पहले मंगवाया था, हमने इसको सेटअप वेटअप कर लिया है। तो अभी देखते हैं ये प्रॉपरली इसमें फिट होता है या नहीं होता है, उसके बाद ये जो इसके बटन्स हैं वो प्रॉपरली वर्क करेंगे या नहीं करेंगे, तो ये देखते हैं। अभी ये प्रॉपरली फिट हो गया है कवर में, अभी हम देखते हैं ये कवर भी प्रॉपरली इसमें सेट हो गया है, मैग्नेटिक है तो ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ये हम इसको इस तरीके से सेट कर सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से सेट हो गया है। ये हमें अगर टेबलेट पर्पज से यूज करना है तो हम ये इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं इसको, ये देखिए इस तरीके से सेट हो गया है। आप कीपैड अगर यूज करना है, आप ब्राउजिंग किस तरीके से, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं क्रोम ब्राउजर ओपन करता हूँ ये मैंने होम बटन दबाया, ये मेरा गूगल आया, यहाँ पे ये कीबोर्ड आया, आप इस तरीके से टाइप कर सकते हैं लाइक कीबोर्ड, ठीक है, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। आप वीडियोस देखना है आप इस तरीके से देख सकते हैं। मैग्नेटिक है तो एक चीज इसमें थोड़ा सा ये है कि मैग्नेटिक, ये देखिए आवाज भी आ रही है आपको, तो ये देखिए यहाँ पे हम इसको अगर छोड़ते हैं तो ये इस तरीके से देखिए गिर नहीं रहा है, दैट मीन्स ये मैग्नेटिक है। ये देखिए दोस्तों, अगर आपको ये स्टिक करना है बेसिकली, तो उसके लिए हम देखते हैं कि ये किस तरीके से प्रॉपरली वर्क करेगा या नहीं। मुझे लगता नहीं है कि ये, अगर आपको ये एक्चुअल में हैंग करने के पर्पज से रहता है, आप दीवार पे इसको हैंग कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, बट ये हैंग करने के पर्पज से नहीं है, पता नहीं ये हैंग करने के किस तरीके से काम होगा, तो वो पर्पज इसका फेल हो गया है यहाँ पे। तो अभी के लिए दोस्तों देखिए, मैं आपको एक बार फ्रंट व्यू भी दिखा देता हूँ इसका, ये इसका बैक व्यू भी दिखा देता हूँ। ये इसके जो बटन्स हैं अभी प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन, ये देखिए दोस्तों ऑफ हो गया है, ऑन हो गया है, आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इधर की तरफ ये जैक दिया हुआ है, ये माइक के लिए दिया हुआ है ऑप्शन, ये वॉल्यूम अप डाउन हो गया है और ये पावर ऑफ के लिए, और इस साइड में ये इसका चार्जिंग पोर्ट के लिए दिया हुआ है और एक ये माइक का ऑप्शन दिया हुआ है। क्योंकि मैंने इसका पर्पज़ ये देखा था कि मुझे इसको है ना वॉल पे हैंग करना होता है बेसिकली, इस पर्पज़ से, तो वॉल पे हैंग करने के पर्पज़ से तो ये मेरे लिए वेस्ट है।
मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से मेरे को रखना पड़ेगा, ये इस तरीके से नहीं टांगा जाएगा। मुझे चाहिए था बेसिकली ये पूरा का पूरा फ्लैप होके पीछे की तरफ आ जाए। अगर ये पूरा फ्लैप होके पीछे की तरफ आ जाता तो ये जो फ्रंट पार्ट है इसका, ये बैक में चला जाता और आप इसको दीवार पे इस तरीके से हैंग कर सकते थे, ठीक है, वॉल हैंगिंग बन जाता। और इस पर आपका फ्रेमिंग, गूगल फोटो फ्रेमिंग आपका वर्क कर सकता था बेसिकली, वो इस तरीके से चलता है। इस पे मैंने गूगल फोटोज का अपना लिंक शेयर किया हुआ है, जैसे ही कोई गूगल फोटोज है वो बैकएंड पे अपने आप चलती रहती है, बैटरी चार्ज करने के टाइम पे, चार्जिंग के टाइम पे बेसिकली, या फिर अनचार्जिंग भी होता है तो उस टाइम पे भी ये वीडियो मेरी फोटोज वगैरह चलती रहती हैं। तो अभी के लिए थैंक यू दोस्तों।